वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सुबह से ही बड़ी शकील किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, कभी एजुकेशन सिस्टम पे, कभी वैसे न्यूज स्टोरीज पे, तो हमने सोचा मूड को थोड़ा लाइट किया जाए, थोड़ी फैशन और सिंगिंग की बात की जाए। तो आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, दानीन वेमन वेयर के नाम से इनका ब्रांड है, अनुष फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है और इश्फाक सरदार ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जनाब, और सिंगिंग के लिए हमें ज्वाइन किया है ओमी ने। ओमी वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अनुष आपसे जानेंगे, आज आप अपनी कलेक्शन ब्राइडल कलेक्शन के साथ आई हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। आज हम अपनी सारी हेवी फॉर्मल्स बेसिकली लेके आए हैं, जो हमारे न्यू आर्टिकल्स हैं वो भी लेकर आए हैं और कुछ कलर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लवली, तो अनुष मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो आपका दानीन वेमन वेयर है ब्रांड, ये किस कब से इसका आपने आगाज किया और किस तरह के ड्रेसेस को ये कैटर करता है, फॉर्मल सेमी फॉर्मल्स? वेल, स्टार्ट किए हुए तो तकरीबन 1.5 ईयर हो गया हमें, ठीक है, और स्टार्ट से ही हमने सारी लाइन ही रखी अपनी, लाइक लग्जरी प्रेट रखा है, फॉर्मल्स रखे हैं, सेमी फॉर्मल, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल हमने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन अब प्रॉपरली उसके ऊपर अब हम काम करना स्टार्ट हुए अच्छा इश्फाक आपसे जानूंगी, कलर्स क्योंकि ब्राइडल्स के हवाले से लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी हो गए हैं, अब लोगों को बहुत भारी भरकम जोड़े चाहिए होते हैं अपने हर फंक्शन के लिए, तो आप लोगों की जो रेंज है उसमें किस तरह से अवेलेबल है साथ? वो डिपेंड करते हैं क्लाइंट के बजट पे, हमारे पास तो हर रेंज में है, ठीक है, यू नो कि अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैवी जोड़ा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस होती है, और अगर उनको नॉर्मल चाहिए जोड़ा तो उसके अकॉर्डिंगली। हाँ, हमने स्पेसिफिक नहीं किया हुआ कि भारे ही जोड़े बनाएंगे, हाँ, तो हम बहुत अच्छे से केटर करते हैं, कस्टमाइज करते हैं उनके अपने बजट के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंगली। लवली, उमेर, उमी, सॉरी वो उमी कहते हैं जनाब, इनका नाम उमेर है तो मेरे मुंह पे उमेर। उमी मुझे ये बताएं, आपकी सिंगिंग का आगाज कब से हुआ? As I told you, like living on the edge, 2011, that was the first time I made OST for that song. So uske baad maine fir apna track banaya, roti kapda makan, bholi awam, Punjabi love, paisa hai pyar. And recently I just made a song on this issue, the current situation between Pakistan and India. So I just made last night. So I just thought like, you know, I should kind of perform this. And okay, perfect. So Umi se janab hum is current situation pe gana sunte hain aur ab dekhte hain ki Umi hume kya sunane wale hain. Umi, aap se gana sunenge. Pehle script banate ho, phir drama rachate ho, aur ilzam bhi hum pe lagate ho. We want peace. Kya? तेरा मीडिया बोले करे जंग, नो पीस, आके खुद लड़के देख, ओए जहनी मरीज, तू मीडिया पे बोले करो जंग, नो पीस, कभी मरा है तेरा रिश्तेदार अजीज, तू मीडिया पे बोले करो जंग, नो पीस, ये कोई पबजी गेम नहीं मेरे अजीज, तू मीडिया पे बोले करो जंग, नो पीस, अन्नी दे आ जंग, मजाक है कोई चीज, पावर का नशा वो पावर में रहना चाहता है, तू मरे या मैं मरूं उसका क्या जाता है, ड्रामा रचवाता है, खून की होली करवाता है, उकसाता है, भड़काता है, नफरतों को जगाता है और तुझको ये समझाता है, तेरा भविष्य चाहता है, बदला लेंगे बदला, नस्लों की नस्लें खा जाता है, अपनी साफ अपना मुफाद, तेरे और मेरे में कर रहा है ये फसाद, अपनी साथ अपना मुफाद, नस्लों की नस्लें करने चला बर्बाद, अपनी साथ अपना मुफाद, शैतान की लगे मुझे औलाद, आखिर कब तक करोगे ये प्रोपेगेंडा, नफरतें फैलाने का ये गोरख धंधा, दुनिया के सामने नंगा तेरा प्रोपेगेंडा, तुमने भेजी लाश हमने भेजा जिंदा बंदा, आखिर कब तक करोगे ये प्रोपेगेंडा, नफरत फैलाने का ये गोरख धंधा, दुनिया के सामने नंगा तेरा प्रोपेगेंडा, तुमने भेजी लाश हमने भेजा जिंदा बंदा। जबरदस्त भाई, ये कहीं खुद लिखा है? जी जी, मुझे लग रहा है इतनी एनर्जी से परफॉर्म कर रहे थे कि आप यही से गोला मारी ना शुरू कर, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ी देर में फायरिंग वायरिंग होने लग जाएगी। अच्छा, तो ये मुझे बताया क्या सोचकर आपने बनाया, करंट सिचुएशन तो डेफिनेटली कुछ ऐसी है ही, जी जी, लेकिन जब बनाते हुए गाना लिखते हुए क्या जी सोचा? सो इवेंचुअली आई वाज जस्ट सीइंग जो मीडिया जो आजकल चल रहा है, जो इंडियन मीडिया वो बहुत नेगेटिविटी कर रहा है, द वॉर मंगर द एंकर, वो जो जिस तरह कह रहे हैं कि करो जंग करो जंग करो, सो आई जस्ट थॉट के
मतलब और वो जो उनकी एक करंट सिनेरियो है अपने मतलब मजाक समझा हुआ उन्होंने पाकिस्तान और जंग वो सारी चीजों को अपनी आवाम को उकसा रहे हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट दैट कि आई जस्ट वॉन्ट टू मैं ऐसा गाना बनाऊं जिसमें मैं जो मेरे क्योंकि मेरे काफी सारे फेसबुक वगैरह पे इंडियन फॉलोअर्स भी हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस सॉन्ग और उनको पता चलता है कि यार आपका जो मीडिया है वो बहुत मीडिया है वो नेगेटिविटी कर रहा है. ठीक हो गया. अच्छा जी आनुष मैं आपकी जाने आऊंगी. अब कुछ हम कलर ट्रेंड्स की काच की बात करें. आपके सीजन में क्या क्या इन है क्या क्या आउट हो चुका है? ऑनेस्टली बताऊं अर्मिला तो हमारे तो यहाँ पे जो ट्रेंड है ना कलर्स के मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारे यहाँ पे हर कलर हर टाइम पे इन होता है. बिल्कुल. सिर्फ आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप क्या पहनना चाह रहे हैं. हाँ समटाइम होता है कोई स्पेसिफिक हो जाता है कि जैसे अभी लाइलैक थोड़ा ज्यादा पर्पल के शेड्स की तरफ थोड़ा ज्यादा लोगों का था लेकिन अभी फिर वापस से वही है लोगों को ब्राइट कलर भी चाहिए एंड एट सेम टाइम उनको पेस्टल्स भी चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. सो कलर्स मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि कलर्स जो है वो आपकी अपनी चॉइस होती है. ठीक हो गया. कट्स की बात करें किस तरह के ट्रेंड्स इन हैं कट्स को लेकर? हाँ कटलाइंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है. कटलाइंस तो बिल्कुल. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं इस पे ये कहना ना बेसिकली हमारा जो काम है और जिस टाइप का है हमारा कट लाइन जो है ना वो मतलब मॉडर्न और ट्रेंडी है. ठीक है. लाइक मतलब हर तरह का कट हमारे पास है जिसको मतलब लाइक डिपेंड करता है किसको किस तरह का कट सूट करता है. हमारे ट्रेडिशनल में भी हम कट लाइन के ऊपर ही काम करते हैं और कट्स में ख्याल से वैसे भी बहुत क्लासी लगते हैं. अगर काम आपने कम करवाया आप कट्स में जा रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा उसको लगता है. अच्छा अब हेवी में काम चूंकि हम बात करते हैं लोग बहुत सारा नफीस काम भी लोग पसंद करते हैं कि बहुत बारीक काम हो तो आपकी जो लाइन है उसमें किस तरह का काम है आप लोग प्रेफर करते हो? हमारा तो है ही बारीक काम बहुत. हाँ हमारा जो सारा मटेरियल होता है वो बहुत बारीक होता है और इवन कि हमारा जो 3D काम है हमारा सिग्नेचर काम जो है वो बेसिकली 3D के ऊपर. अच्छा 3D आपकी सिग्नेचर है. तो लेकिन जो 3D भी है वो भी हम मटेरियल में उसको बहुत बारीक रखते हैं ताकि वो जो एक डेलिकेसी है वो काम की वैसे ही रहे. ठीक है. पैटर्न खराब नहीं. अच्छा कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे डिजाइनर्स हैं अब चूंकि वेडिंग सीजन भी इन है तो अब तो लोगों में हल से अवेयरनेस भी बहुत आ गई है इस बात. जी जी बिल्कुल. अवेयरनेस के हवाले से क्योंकि आप लोग जब ऑन एंड ऑफ डील करते होंगे क्या लगता है लोगों को अब अपनी फैशन सेंस का अंदाजा है? जी जी बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं. लोग इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो कहते हैं कि हमें इस तरह से कर दें. हम अगर कुछ कह रहे होते हैं कि इस तरह से करें तो वो कहते हैं कि नहीं इस तरह से कर दें क्लाइंट. तो उसमें ये होता है कि आई थिंक अगर आप किसी डिजाइनर के पास जाते हो तो थोड़ा डिजाइनर पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कोई बात नहीं करते. वो कहते हैं एग्जैक्टली. तो आई थिंक वो चीज ज्यादा अच्छी बनती है बनिस्बत जब आप उनमें अपनी चीजें एड ऑन कराते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कुछ चीजें आपकी होती हैं कुछ चीजें मतलब क्लाइंट बता रहा होता है तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो अब ब्राइडल्स के लिए क्या प्लान है? कब तक आप लोगों ने अपनी अनुष वर्किंग करनी है ब्राइडल्स पे? ब्राइडल्स के ऊपर बिल्कुल कुछ तो हो चुकी है यार और कुछ हो भी रही है तो बस जल्दी ही हम अपना एक ब्राइडल का एक अच्छा सा लॉन्च करेंगे उसका एक जबरदस्त. अच्छा उम्मीद आप मुझे बताएं कि अभी चूंकि आप सिंगिंग में आइंदा आने वाले दिनों में किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? मेरा एक ये तो ट्रैक अभी जो आपने सुना आज उसकी वीडियो आ रही है. जो लोग इसको देखना चाहते हैं मेरा पेज है ओमी रैपर के नाम से. सो आई एम रिलीजिंग दिस सॉन्ग टुडे और इसके बाद मैंने गाना बनाया है फेक. ठीक है. फेक वो आ रहा है. उसके बाद मेरा एक गाना है पैसा है प्यार वो भी आ रहा है. सो लाइक देयर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स. मेरा अपना स्टूडियो है तो जब दिल करता है गाना बना लेते हैं. जनाब मैं और अनुष इधर आ चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि इखलाक को भी हम बुलाएंगे लेकिन इखलाक से आधे हम कपड़े जरा कहते हैं ना अनुष से अनुष हमें दिखाएं. अनुष अपनी कलेक्शन के हवाले से बताएं और हम थोड़े से ड्रेसेस देखना भी शुरू करें. जरूर. ये जैसे ये है हमारा ये एक हमारा हेवी फॉर्मल की शर्ट है. तो जैसे आप देख रहे हो कि हमने सारे पैटर्न को हेवीली एम्बेलिश्ड किया है. जो बेसिकली फैब्रिक था फैब्रिक है उसको हेवीली एम्बेलिश्ड किया है. इससे फायदा ये होता है कि एक तो टाइम बच जाता है लुक हेवी आती है और लोगों को अगर कस्टमाइज करना हो लोगों के बजट में बहुत अच्छा फॉल करता है. आप इसको अगर काम करना चाहते हैं बिल्कुल गले या स्लीव्स पर करना चाह रहे हैं तो आप इसको वो भी आप कर सकते हो. इवन आप बैक से काम कुछ हम कस्टमाइज कर सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं. इसके साथ हम नीचे हमारा शरारा है जिसके ऊपर एक स्प्रे वाला जो है वो दुपट्टा भी है इसके साथ. ठीक है. कुछ इस तरह से है एंड ट्रस्ट मी ये बहुत हैवी है. ये देखें जनाब कॉम्बिनेशन के साथ है. ये है कि आपके बजट में बहुत अच्छा फॉल करता है. अच्छा जी ये ग्रीन आप इस पे भी हम बात करते हैं. आप ये तो
मुझे लग रहा है मेहंदी वगैरह पे अनुज हम कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल, मेहंदी वगैरह पे आप कैरी कर सकते हो। इवन अगर आप इसकी कलर स्कीम चेंज करवा लो तो आप इसको किसी भी ओकेजन के ऊपर कर सकते हो। लाइक अगर हम इसको लाइटर में लेके जाना चाहें तो हम बेस कलर चेंज कर सकते हैं, और जो गोल्ड है उसको अगर थोड़ा सा हम और सिल्वर एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन के साथ कर ले तो आप बारात इवन वलीमे के ऊपर भी कैरी कर सकते हो। ठीक हो गया, लवली। इसके साथ ये दुपट्टा, इसके साथ ये दुपट्टा है हमारा। ठीक हो गया, ये देखें जी, और इसके शादी के लिए आइडियाज ढूंढ रहे हैं उनको बहुत अच्छे आइडियाज मिलने वाले हैं। और इसके साथ हमारे दोनों ऑप्शंस हैं, इसके साथ हमारी पैंट्स भी हैं काम वाली और इवन शरारा भी है। तो दोनों ऑप्शंस इसके साथ लवली लवली लवली। अच्छा जी, अब हम जरा अनुज वहाँ पे एक आपकी मिक्सी है, मैं चाहूंगी वो भी हम दिखाएं। ये देखें जनाब, ये कितनी खूबसूरत है कलर्स। तो इसमें हमने कोशिश की है कि सारा शेडिंग जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, और काम जो है वो हमने बहुत सटल रखा है इसका। तो मोस्टली लोग हमारे पास आके ये भी कहते हैं कि हमें काम में थोड़ा कुछ गोल्ड भी ऐड हो जाए, तो ताकि वो हम इसको एज अ ब्राइडल भी यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर द वलीमा फंक्शन, फॉर रिसेप्शन। तो आप उसके ऊपर भी, वेरी नाइस, वेरी प्रिटी, और कलर्स की वजह से ये बहुत ज्यादा क्लासी भी लग रहा है। डेफिनेटली काम जो है वो कैमरे में इतना क्लियर नहीं आता, लेकिन जब करीब से आप देखेंगे तो लिटरली वाकई बहुत अच्छा है। अनुज, आपकी जो कलेक्शन है ज्यादातर पेस्टल्स में है, उस हवाले से भी बताओ, क्योंकि आप ज्यादा पेस्टल्स को डील करते हो या वैसे पेस्टल्स भी करते हैं हम, और कलर्स में भी करते हैं, जैसे ये वाला जो है, हाँ, ये ग्रीन और बिल्कुल ये वाला ग्रीन में किया है, तो इस तरह हम कलर्स के ऊपर भी अभी काफी कम काम कर रहे हैं। ये इस ड्रेस के हवाले से भी बताएं, ये वाला हमारा हेवी फॉर्मल का ड्रेस है, जैसे अभी शायद ये वही बात है, कैमरा में देख के लगता नहीं है कि इतना हेवी है, बट इसके वेट से पकड़ने से पता लगता है कि कितना हेवी है। ये सारा बारीक कटदाने की लाइन चली हुई है, तो ये बहुत बारीक और वही डेलिकेट काम है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे बारीक काम की, तो ये बारीक काम। लवली लवली। अनुज, एक दो और ड्रेसेस हम देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं और ओमी से फरमाइश करते हैं कि हमें कुछ सुनाए भी। तो ये हम कुछ इसमें देख रहे हैं दुपट्टा, ये मैं, ये 3D है, ये बेसिकली हमारा सिग्नेचर काम है 3D का। सही, तो ये सारा, ये हमारी लग्जरी प्रेड की रेंज है। सही, ठीक है, और ये सारा हैंडवर्क है, हैंडवर्क है, ठीक है, ये सारा 3D फ्लावर के साथ हैंडवर्क है, और ये लग्जरी प्रेड की रेंज है, तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको। जबरदस्त। अनुज, कोई आपको लगे आपका फेवरेट पीस है हमारे देखने वालों को दिखाएं, फिर हम थोड़ा ऑनेस्टली सारे अपने होते हैं तो सारे ही फेवरेट अच्छा, होते हैं। अच्छा, अनुज आपने खुद पहना हुआ है, दिस इज योर, ये भी हमारा अपना डिजाइन है जी, ये हमारा लग्जरी प्रिंट का एक और जोड़ा है, और ये भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। लवली, सो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। दानीन वेमेन वेयर, आपका आउटलेट कहाँ पर है? ये जी वाई ब्लॉक डिफेंस में है लाहौर, तो आप नीचे आई गेस वो हमारा बिल्कुल आप इनका चल रहा होगा, सो आप वहां से आप विजिट कर सकते हैं। I want to talk about this one. ये जनाब, ये हमारा अभी बिल्कुल लेटेस्ट है ये वाला, और ये भी लाइटर रेंज में है हमारा, लाइक सेमी फॉर्मल पार्टी ड्रेस है बेसिकली। ठीक हो गया, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये अभी हमारे पास लोग जो आते हैं वो हमारे पास ये भी कहते हैं कि इसके साथ हमें कोई दुपट्टा वगैरह बना के तो हम इसको रिसेप्शन के। अच्छा, मतलब वलीमा, ये वो ड्रेस है जो हमारा इश्फाक ने बड़े प्यार से बनाया, और ये इश्फाक क्रिएशन है ये इश्फाक की, और इश्फाक ने बड़े प्यार से। हम जरा आ जाए इश्फाक, आप इधर आए, मैं तो बैठती हूँ, आप जरा हमें इस ड्रेस के हवाले से बताएं। इस ड्रेस के बारे में अनुज ने सारा बता तो दिया आपको। एक्चुअली ये अभी मैं कर रहा था कुछ, मतलब मैं सोच रहा था तो मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी तो मैंने वो एक डिजाइन कर दिया। काइंडली एक्चुअली ये जो है ना, ये एंगेजमेंट के हवाले से कुछ लोग जिनको लाइट वर्जन में चाहिए होता है, और लाइट सब कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर वैसे तो इसका कलर बहुत अच्छा है, और जो इसका फ्लेरी और कुछ इस तरह से वो भी ज्यादा क्लासी लगता है समटाइम्स। बिल्कुल, और दूसरा कैन कैन के साथ और ज्यादा स्टैंड आउट के साथ। बिल्कुल, आज ही आप दोनों यहाँ पर, आप दोनों से तो हम मजीद बातें भी करेंगे। जनाब, दानीन की कलेक्शन बहुत अच्छी है, अनुज और इश्फाक हमारे साथ मौजूद थे। ओमी, क्या सुनाने वाले हैं? कुछ शेर है, ठीक है, शायरी है, वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर जरूर जरूर। सो इट वुड बी लाइफ,
वे बिलो तेरे नखरे हजार मैं ता तेरे उत्ते जिंदगी लुटान नु तैयार जिन्ना चढ़ तू भी मनी मैं भी मन नी निहार अपा देसियां च प्यार जिगे खून च समाया आए किन्ने खिलाड़ी मेरे वरगा नहीं आया मेरे चर्चे बथेरे पर हां या ना अगे फैसला वे तेरा छड़ फोका गरूर तेरी अखां दा कसूर मैनू दिसदे ख्याल सारे तेरे दूर दूर हुण तेनू वे तेरी काली जुल्फा ते मान पर ऐदा ते मौकियां दे सोचदा इंसान असी दोवें जवान ए गल नी मेरा ली नाले बार खलोती नवी गड्डी मेरी काली चल चलिए दुनिया ते उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात सारी रात तेरे नाल बैठे तेरिया मैं जुल्फा सवारा बिलो मैनू तेरे प्यार दा सहारा तेरे प्यार का सलाम चाहिए दीवाना हूँ तेरा मुझे प्यार चाहिए। वाह जबरदस्त। अच्छा ये आप सारा रैप ही करते हैं, आपका फोर्टी यही है? जी जी। सो बेसिकली जो रैप होता है वो शायरी होती है। तो ये दिस इज माय फीलिंग्स व्हाटएवर आई राइट, तो जो मैं सोचता हूँ वो मैं लिख देता हूँ। तो रिदम एंड पोएट्री इज रैप, रिदम पे जो पोएट्री होती है वो रैप है। सो आई एम बेसिकली आई कॉल माय सेल्फ अ पोएट, सो अ स्ट्रीट पोएट, अ मॉडर्न एज पोएट। सो दिस इज लाइक व्हाट आई डू। सिंगिंग इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बट दिस इज लाइक My main portrait is poetry. Lovely, lovely, lovely. अच्छा अनुष और इश्फाक, आप दोनों चूंकि collaboration के साथ designing करते हैं, कभी कभी कुछ होता है कि आपस में होता है कि वो कुछ और design कह रही हो, इश्फाक कुछ और कह रहा हो, नहीं वो एक्चुअली सारा वो पहले उसमें सारा वर्क हो चुका होता है, हो जाता है आपस में। अनुज ऐसा होता है, आप आपसे मैं जानना चाहूंगी कभी कभी कुछ होता है कि फैशन आपको जो लग रहा हो इश्फाक को ना लग रहा हो, आप इश्फाक को जो लग रहा है आपको ना लग रहा हो। हाँ बिल्कुल हो जाता है, जब हम लोग क्रिएशन कर रहे होते हैं, जब लाइक स्टेप वन से हम स्टार्ट करते हैं, तो जो भी वो होना होता है वो उसी वक्त उसी होता है या काम पे होता है? एस सच तो नहीं होता, बिकॉज चॉइस हमारी काफी हद तक मिलती है, ये प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट। वो जो माइंड है ना वो काफी हद तक मिलता है कि अच्छा क्या करना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत होता है कभी पैटर्न में या कलर में इधर उधर, तो वो फिर हम आपस में एडजस्ट कर लेते हैं कि मतलब थोड़ी सी उसकी वाली थोड़ी सी अपनी मनमानी में मिला के करके कुछ अच्छा कोशिश करते हैं अच्छा क्रिएट करने। अच्छा अनुज आप लोग जो एग्जीबिशन वगैरह हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहती है डिजाइनर्स की, क्योंकि एक अच्छे फॉरम पे आपको, तो क्या आप कोई अपकमिंग है एग्जीबिशन या लाइनअप किए हुए? यार अभी तो हमने रिसेंटली दो एग्जीबिशन की हैं, ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर कोई और अच्छा हमें कोई प्लेटफॉर्म और नजर आता तो करेंगे। कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? अनुष आप दोनों में से कोई भी देना चाहे दोनों। अच्छा चलो मैसेज बस यही है कि न्यू डिजाइन, हम तो अभी अपने आप को वो कहते हैं कि हम अभी बेबी डिजाइनर्स हैं। अच्छा तो हमें ऑब्वियसली लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए, हम जरूर चाहते हैं। देखो लेना ना लेना एक अलग चीज होती है, बट एटलीस्ट जब कोई आता है, वॉक-इन्स होती है, ट्रैफिक आती है, लोग चीज देखते हैं, तो हमें अपने काम के ऊपर कोई डाउट नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हम चाहेंगे कि लोग आए, विजिट जरूर करें स्टूडियो हमारा, हमारी कलेक्शन देखें। और लवली लवली, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत जबरदस्त आपके जोड़े, बहुत जबरदस्त काम आप लोग कर रहे होंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे फिर हम आपसे गाने की फरमाइश करें? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि मैं गाना रिलीज कर रहा हूँ ये आज पीस फॉर स्ट्राइक अपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे, सो प्लीज जो देख रहे हैं वो मेरा पेज जाके जरूर लाइक करें। OMI ओमी RAPPR ओमी रैपर इज माय पेज, सो प्लीज गो ओवर देयर एंड सपोर्ट मी, थैंक यू वेरी मच। लवली लवली, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक गाइस। ना आप अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, और आज के शो आपने मिस किया तो शाम में और रात को 1 बजे भी रिपीट होगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी तरफ से कल तक के लिए, अल्लाह हाफिज। लेकिन ओमी से हम गाना जरूर सुन जी। ओमी OMI NJB in the house, time to get crazy in the house. Yeah, Punjabi love, 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 yeah, Punjabi love. Soriye, 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 shake the ghost. Shake the ghost. Shake.
ਜਵਾਨੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਪੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਰਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਅਕਲੂ ਹਤਮਾ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਖਾ ਸਭ ਲੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਏ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਸੋਡੇ ਵਰਗੀ ਠਾ 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 ਯੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋ 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 ਸੋਣੀਏ 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 ਸ਼ਿਟ ਗੋਸ ਸੋਣੀਏ 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 ਸ਼ਿਫਟ ਗੋਸ